नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे 2021 के ऊपर आधारित एमसीक्यू। साथ में हम बजट बात करेंगे, यूनियन बजट 2021-22 के ऊपर आधारित एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कल आउट हो चुका है। बहुत बहुत बधाई जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वो आगे भी अपने जीवन में ऊँचाइयाँ इस तरह हासिल करते रहें। कोई आसान पेपर आया नहीं था, अच्छा खासा पेपर था। कट ऑफ बहुत कम गई है और कट ऑफ गिरने का कारण यही है कि पेपर का लेवल अच्छा था। कंपटीशन के ज़माने में अगर 60-70 पोस्ट हैं और उसके लिए लाखों लोगों ने अप्लाई करा है और उस वहाँ से अगर आप निकाल कर आते हो और जॉब पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने नए जीवन की। नया जीवन शुरू हो चुका है आपका 1 मार्च 2021 से। एक ऐतिहासिक दिन, जीवन का एक ऐतिहासिक दिन होता है। अब जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो ना हर साल, वैसे ही इस 1 मार्च के दिन को भी सेलिब्रेट करना। भले ही कहीं और भी हो जाए, लेकिन ये 1 मार्च का दिन आपकी पहली जॉब का पहला सेलिब्रेशन था, ध्यान रखिएगा। और ये पहला रिजल्ट भी था, ये भी याद रखिएगा कि कोरोना काल में ये पहला रिजल्ट था जो आईबीपीएस के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना वगवा शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। ये जो, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के जितने एमसीक्यू होंगे वो इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित होंगे, और 50 के बाद जितने भी होंगे वो बजट पर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए। हु हैज़ प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 किसने तैयार किया था? तो आंसर आपका बनता है कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये कौन है? हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, CEA बोलते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है ना, कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21? किसने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पार्लियामेंट में टेबल किया था, है ना, प्रेजेंट किया था? आंसर बनता है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री है भारत की। ठीक है, अजय भूषण पांडे को देखिए, यहाँ पर खिलवाड़ करते हैं कुछ ऑप्शन के साथ। फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू CGA, ये दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अमित शाह जी को तो आप जानते ही हो, स्मृति ईरानी जी को भी जानते ही आप, है ना, साध्वी निरंजन ज्योति को भी जानते ही होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ईयर द इकोनॉमिक सर्वे वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? इनमें से किस वर्ष से जो इकोनॉमिक सर्वे जो था सेपरेट, यानी कि अलग कर दिया गया था यूनियन बजट के साथ? देखिए, पहले क्या होता था, 1950 से 1964 तक क्या हुआ, जिस दिन बजट पेश किया जाता था ना, उसी दिन क्या होता था, इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता था। लेकिन 1964 से क्या करा गया, इसे अलग कर दिया गया बजट से। अब ये बजट के ठीक एक दिन पहले या फिर लास्ट वर्किंग डे पे आयोजित होता है, जैसे इस साल का था। इस साल क्या था, 1 फरवरी को सोमवार आ गया था। ठीक है, 1 फरवरी को था सोमवार, 31 को था संडे, 31 जनवरी को, और शनिवार आ गया था 30 जनवरी को। इसीलिए इस साल 29 जनवरी को ये टेबल किया गया था इकोनॉमिक सर्वे, यानी लास्ट वर्किंग डे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट फॉर 2021-22। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत की, यानी कि वृद्धि, नॉमिनल जो GDP ग्रोथ रेट है उसको प्रोजेक्टेड किया है? तो याद रखना आंसर 15.4, ये हाईएस्ट रहेगी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो होगी नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट होगी 2021-22 में, 15.4%। ठीक है, एट वॉट रेट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो इन 2023-24? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत से वृद्धि करेगी? तो याद रखना आंसर 7% से। कितने प्रतिशत से? 7% से। और 6.5 जो रहेगा 2022-23 में रहेगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना।
अगला सवाल है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फोर पिलर स्ट्रैटेजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट। अब भारत ने क्या करा था कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए, जो रिफॉर्म्स जो किए गए थे उसमें फोर पिलर की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो आंसर आपका बनता है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो फोर पिलर्स का पार्ट नहीं है। कॉन्टेमिनेंट, फिजिकल, फिनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये चारों की चारों के चीज के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो 2020 इकोनॉमिक सर्वे था, इनमें से किसे समर्पित किया गया है? तो याद रखना, वो समर्पित किया गया है माइग्रेंट वर्कर को। किसे? माइग्रेंट वर्कर को डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटेल्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इनमें से भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट यानी कि तैयार करता है? तो आंसर आपका बनता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020-21 जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में 2020-21 वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का जो शेयर है वो कितना परसेंट रहा था? तो याद रखना, वो रहा था 19.9%। कितना रहा था? 19.9%। ठीक है, एकमात्र सेक्टर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसने 3.4% की जो थी वृद्धि दिखाई थी काय में, इकोनॉमिक सर्वे में थी, माफ़ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, ये याद रखना है। हाउ मच वर्थ द गवर्नमेंट हैज़ इन अर्नड थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट रूट एज अ जनवरी 2021, यानी कि भारत सरकार ने जनवरी 20, 2021 तक डिस इन्वेस्टमेंट के तहत कितना पैसा अर्जित किया है? तो याद रखना, उन्होंने करा है 15,220 करोड़। कितना? 15,220 करोड़। ठीक है, जितना भी उन्होंने टारगेट रखा था उसका 7.2% है। ठीक है, यानी टारगेट अचीव ही नहीं हो पाया, लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी के कारण कोई काम हो नहीं पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एवरेज टू हाउ मच परसेंटेज इन 2020-21। ठीक है, 2020-21 के दौरान जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन था वो एवरेज कितना रहा था? तो याद रखिएगा, 9.1 रहा था। कितना रहा था? 9.1 रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर 2020 द गवर्नमेंट हैज़ अर्नड हाउ मच वर्थ ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के तहत भारत सरकार ने 2020 के दौरान कितना पैसा आया है? तो याद रखना, 10.26 लाख करोड़। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द नेट वैल्यू इन्वेस्टेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2020 विच इज सेट टू बी 5 times द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन 2019। देखो, अब क्या हुआ है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अप्रैल से दिसंबर के बीच कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जो कि 2019 की तुलना में 5 गुना ज़्यादा था। तो याद रखना, वो था $30 बिलियन। ठीक है, वॉट इज़ द शेप ऑफ इंडियन, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया। भारत की जो इकोनॉमी है उसकी रिकवरी की शेप क्या थी? तो आंसर याद रखना, वी शेप इकोनॉमी। क्या था? वी शेप्ड इकोनॉमी। वॉट इज द प्रोजेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-25 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो,
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 2020 से 25 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया है, तो याद रखना 111 लाख करोड़। कितना? 111 लाख करोड़। ठीक है, अगला सवाल। द सर्वे हैज रिकमेंडेड एन इंक्रीज इन हेल्थ स्पेंड फ्रॉम 1 to 2.5 to 3% ऑफ GDP. What percent of the overall health care spend will decrease the out of pocket expenditure? देखो, अब क्या हुआ, सर्वे ने क्या रिकमेंडेड करा है कि जो हमें हेल्थ के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, अभी तक GDP का कितना 1% हम क्या कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, अब उसे 2.5 से 3% लेकर आना है, सर्वे ने ये बोला है। ठीक है, तो जो है देखो, कोई भी काम होता है ना, तो उसके लिए कुछ पैसा जो है इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, कुछ पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसके तहत वो जो इकट्ठा किया गया पैसा है ना, उसमें से क्या हुआ है कि कुछ अमाउंट जो है वो निकाल लिया सरकार ने। ठीक है, और वो कितने प्रतिशत से कम हुआ है, तो याद रखना वो 30% से कम हुआ है। कितने? 30% से, जो पहले कितना था, 65% था। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रायोरिटाइजेशन अकॉर्ड टू हेल्थ इन इट्स गवर्नमेंट बजट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2017? ठीक है, भारत की रैंक कितनी है, ठीक है ना, प्रायोरिटाइजेशन अकॉर्ड, है ना, प्रायोरिटाइज अकॉर्ड में भारत की रैंक कितनी है, बस इतना याद रख लो। याद है रखना 179 है। कितनी है? 179। ठीक है, ऑन द पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर, वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज स्टडी इन 2016? ठीक है, ग्लोबल है ना बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016 के अनुसार, ठीक है, क्वालिटी और एक्सेस जो कि हेल्थ केयर का होता है उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो याद रखना 145 है। कितनी है? 145 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी आप देख सकते हैं कि किस तरह के लेकर आए हैं, पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ बजट का, जो कल आपको PDF दी थी उसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, विच कंट्री इज हॉस्पिटलाइजेशन रेट 3 to 4% आर अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो वो है आंसर आपका इंडिया। ठीक है, जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है जो पूरी दुनिया में, वो भारत का सबसे कम है। ठीक है, और इसको बोलने वाला कौन है? OECD है, ऐसा बोला है OECD ने। ठीक है, याद रखना। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीगेट है ना डेंसिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स इज 244.5 पर 10,000 पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज बेटर बैलेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स? अब क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोलना चाहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो एग्रीगेट डेंसिटी है हेल्थ वर्कर्स की वो कितनी है, 10,000 की पॉपुलेशन पर 44.5 है। मतलब जो बोल सकते हो नर्स या मिडवाइफ्स या फिर डॉक्टर, वो कितने हैं, 10,000 लोगों पे कितने, 44.5 हैं। ठीक है, 44.5 है, तो वो सबसे अच्छी कंडीशन किस राज्य की है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। तो याद रखना तमिलनाडु की भी सबसे अच्छी है भारत में, आंध्र प्रदेश में भी है और दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ वन ऑफ द मेजर है ना डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्सपोर्टर्स? इनमें से कौन सा देश जो है मेजर बड़ा डेस्टिनेशन है भारत की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्सपोर्ट का? तो याद रखना सऊदी अरब। क्या, कौन है? सऊदी अरब, यानी कि भारत की जो एग्रीकल्चर है ना, जो कृषि कृषि से संबंधित जो सामान है सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, सऊदी अरबिया में जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग यही मंगवाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। विच सेक्टर हैज़ बिन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 9.9% ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंडिंग 2018-19? ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है इनमें से किस सेक्टर में, ठीक है, पिछले 5 साल में, वो 5 साल कब ख़त्म हुए, 2018-19 में ख़त्म हुए हैं। ठीक है,
एवरेज एनुअल जो ग्रोथ रेट रही है 9.99% रही है। तो याद रखना वो रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रही है 5 सालों में, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोड्यूस ड्यूरिंग द FY 2019-2020 माफ कीजिएगा ना 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान मछली उत्पादन कितना रहा है। तो याद रखना 14.16 मिलियन मीट्रिक टन, कितना 14.16 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, इतना फिश का उत्पादन रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार 2020 में भारत की रैंक कितनी थी, याद रखना 48 थी, कितनी थी 48 थी, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे में ही कही गई है। विच ऑफ द बिलो इंडियाज इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वर्ल्ड सोलर बैंक टू ब्रिंग अबाउट सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन ग्लोबली, दुनिया भर में जो है सौर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए, ठीक है, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एवं वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने के लिए इनमें से कौन है ना, किस डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था। तो याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उस संगठन का नाम या डिपार्टमेंट का नाम जिसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और वर्ल्ड सोलर बैंक की स्थापना के लिए एक क्या लिया था, इनिशिएटिव लिया था। फिकर मत करो 100 सवाल हैं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम की जाती है, कंज्यूमर कौन है सबसे बड़ा, ग्राहक कौन है सबसे बड़ा एनर्जी का, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स है। कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट है, भारत की तरफ मत जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स है। भारत के गाँव में तो बिजली नहीं है तो कहाँ से होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has seen decrease how much BPS since March 2020 in the first and the second monetary policy committee meeting, जो RBI की monetary policy की जो meeting है, ठीक है, 2020 में पहली और दूसरी, उसमें कितने प्रतिशत RBI ने, ठीक है, कित repo rate कम किया है, याद रखना 115 BPS, ठीक है, 115 BPS कम किया था, ठीक है। विच अर्बन एरिया हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेज थाली बिटवीन द जून दिसंबर 2020, जो शाकाहारी भोजन की थाली रहती है, इनमें से किस राज्य में, इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे महंगी थी दर्ज की गई है जून दिसंबर 2020 में। और याद रखना अंडमान निकोबार में ये जो शाकाहारी थाली थी सबसे महंगी दर्ज की गई है, ठीक है, सबसे महंगी, कितने की थी ये, 40 रुपये की सबसे महंगी थाली थी वो, सबसे कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भारत का दिल मध्य प्रदेश, सबसे कम 24 रुपये में। चलो, टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एजुकेशन, जो COVID-19 का प्रभाव है एजुकेशन पे कम करने के लिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलोकेट हाउ मच वर्थ ऑफ फंड्स टू स्टेट इन यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग थ्रू डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, भारत सरकार ने इनमें से कितना फंड अलोकेट किया था, ठीक है, डिजिटल लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो आंसर बनता है 818.17 करोड़ रुपये, ठीक है, याद रखना। What is the rank of India in Human Development Index 2019? HDI, Human Development Index में भारत का रैंक कितना था, 131 था, ठीक है, याद रखेंगे। Fiscal deficit for 2019-20 provisionally है ना actuals stood at 4.6% of GDP which was 1.2% higher than fiscal deficit in 2018-19। अब जो 2019-20 में, ठीक है, अब देखो बजट कब आता है, बजट जो आता है वो आता है 1 फरवरी के दिन, ठीक है, और वित्त वर्ष कब खत्म होता है हमारा, 31 फरवरी,
माफ कीजिएगा 31 फरवरी बोल रहा हूँ, 31 मार्च को, ठीक है। और डेटा कब तक का रहता है हमारा यहाँ पे, जो भी डेटा रहता है वो दिसंबर तक जनरली सरकार पेश करती है, दिसंबर तक का, ठीक है। जो आखिरी क्वार्टर रहता है उसका जो मेज़र रहता है वो तो बाद में ही आता है, इवन एक आध डेढ़ महीने बाद ही आता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो 2019-20 यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें जो फिस्कल डेफिसिट था एक्चुअली 4.6% रहा था जीडीपी का, ठीक है, याद रखना। What is the growth of banks credit of January 1, 2021, ठीक है, बैंक क्रेडिट में कितने ग्रोथ देखने को मिली है 1 जनवरी 2021 तक, तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर 6.7। बैंक क्रेडिट क्या होता है, जो बैंक लोन देते हैं या उधार देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन November 2020। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर्स को कवर किया गया था जो कि भारत सरकार ने नवंबर 2020 में शुरू की थी, आंसर बनता है 10। कितना बनता है आंसर, 10। हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन द टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GVA एट कॉन्स्टेंट प्राइस इन 2018-19। जो लाइव स्टॉक्स हैं उसमें यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का जो एक सब पार्ट है लाइव स्टॉक, उसका GVA में कितना, यानी कि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना योगदान रहा है, आंसर बनता है 28.63%। Which channel was used in FY21 for the allocation of the food grains? Food grains के allocation के लिए इनमें से किस channel को के माध्यम से यानी food का जो है distribution किया गया था? Answer आपका बनता है National Food Security Act, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये दोनों ही दोनों थी, यानी आंसर बनता है 4th, ठीक है। As of 24 December 2020, how many environmental, social and governance mutual fund have been launched in India? 24 December 2020 तक how many environmental यानी कितने पर्यावरण, social और governance mutual fund जो है भारत में लॉन्च किए गए थे, तो आंसर याद रखना 8। कितने हैं, 8। What is the ratio of gross non-performing asset ratio of scheduled commercial bank at the end of quarter 2 FY21? ठीक है, जो GNP था, gross non-performing asset ratio कितना था scheduled commercial bank का, जो कि quarter second जो खत्म हुआ था FY21 का, second quarter का खत्म हुआ था September 2020 में, ठीक है, तो वो रहा था 7.49। कितना रहा था, 7.49। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटले ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अप टू वेज मंथ 31 मई 2023। 31 मई 2030 तक जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना है उसके तहत कितना अलोकेशन किया गया था, याद रखना 22,810 करोड़, ठीक है। एज ऑफ April 1, 2020 हाउ मच अमाउंट इज बिंग पेड टू लेबर्स एज वेज अंडर द मनरेगा फ्रॉम इट्स प्रीवियस अमाउंट 182, ठीक है। अब देखो मनरेगा के तहत मजदूरों को कितना 182 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, कितना 182 रुपये मिल रहा था, अब वो अमाउंट क्या हो चुका, बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, 20 रुपये से बढ़ चुका है, जो कि 202 रुपये पहुंच चुका है, ठीक है, 202 रुपये पहुंच चुका है, याद रखना। अब 202 रुपये 1 अप्रैल 2020 से प्रोवाइड किए जा रहे हैं मजदूरों को। व्हाट इज द इंडियाज इकोनॉमी इन FY 2021 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रिडिक्शन
इन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार भारत की जो है जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी बताई गई है, तो याद रखना 7.7 माइनस में, 7.7 माइनस में, ठीक है। द इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएट इंक्रीज बाय 1%, ठीक है, ऑफ जीडीपी टू रीच 2.4% ऑफ द जीडीपी इन 2019-20 relatively to 2018-19, ठीक है। ये पीए का मतलब होता पर एनम, वो अंडरस्टूड है ना बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सॉवरेन एक्सटर्नल डेट एज पर द एस परसेंट ऑफ द जीडीपी स्टूड एट मेरे 4% एज ऑफ सितंबर 2020, व्हाट इज द इंडिया सॉवरेन डिफिकल्टी हिस्ट्री डिफॉल्ट हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, तो आंसर बनता है आपका 0%। क्या बनता है? 0%। फाइंड द ग्लोबल इकोनॉमिक एस्टिमेट इन 2020, आंसर बनता है फॉल बाय 3.5%। ग्लोबल इकोनॉमी 3.5% से गिरेगी ऐसा बताया गया है। एक्सपांड PMJAY, इसका फुल फॉर्म बताना है तो याद रखना इसका फुल फॉर्म बनता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बिफोर COVID-19 विच एपिडेमिक वॉज द मोस्ट प्रिवेलेंट, है ना, प्रिवेलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1918 से 1920, ठीक है। कोरोना वायरस दो के पहले यानी COVID-19 से पहले यहाँ पैंडेमिक होना चाहिए दोस्तों। कोरोना वायरस के पहले विच पैंडेमिक वॉज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1918-20, यानी भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया था कोरोना वायरस के पहले, तो याद रखना वो था स्पैनिश फ्लू। क्या था वो? स्पैनिश फ्लू। और लगभग कहा जाता है कि 50,00,000 लोग वहाँ पर मारे गए थे स्पैनिश फ्लू में, ठीक है। 1918 से 1920 में फैला था, ठीक है। इसके दो चरण आए थे, 1918 में पहली बार फैला था जैसे कोरोना वायरस ने, 2020 में दस्तक दी, फिर ये शांत हो गया, मतलब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, फिर 1920 में ये और ताकतवर होके और जानलेवा होके आया और बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इसने, ठीक है, याद रखना। कहा जाता है कि उस समय 50,00,000 की जो आबादी थी बहुत बड़े पैमाने पर थी, बहुत लोग मारे गए थे। और जो बोलते हैं ना कि 1911 में जो है आबादी थी बड़ी थी लेकिन 1921 में कम हो गई थी, है ना, तो ये इसी कारण हुई थी कि स्पैनिश फ्लू ने वहाँ पर काफ़ी जिंदगियाँ ली ली थी, ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा उस ईयर को क्या ग्रेट डिवाइडर ईयर ऐसा कुछ बोला जाता है, तो वो 1921 को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। हर बार जनसंख्या बढ़ती बढ़ती जाती लेकिन उस बार वहाँ पर कम हो गई थी, ठीक है। हमारी जो है आज की तारीख में विज्ञान काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इसीलिए कोरोना वायरस का प्रभाव यहाँ पर जो मौतें दिख रही है ना आपको अभी 20-25 लाख हो चुकी है शायद दुनिया भर में अभी तक, तो ये एक उस समय की तुलना में बहुत कम आंकड़ा है। अगर अभी भी हम उसी जमाने में जी रहे होते तो शायद ये करोड़ों में जाती बात अभी तक, जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो ये करोड़ों में बात अभी तक जा सकती थी, ठीक है। उस समय की तुलना में तो शायद कम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट परसेंट ऑफ जी डी पी डज इंडिया अलोकेट फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी डी पी का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, तो याद रखना 0.7, कितना करता है 0.7। वॉट परसेंट ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वर्थ 111,00,000 करोड़ विल बी कंट्रीब्यूट बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसमें कितना 111,00,000 करोड़ का निवेश होना है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान रहेगा याद रखना 21%, कितना रहेगा 21%। ये आ सकता है क्वेश्चन, देखो राज्य सरकार का कितना रहेगा, राज्य सरकार का, थोड़ा सर्दी ऐसा हो रहा है मेरे को, ठीक है 40%, ठीक है केंद्र का 39,
और निजी प्राइवेट 21%, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो याद रखना भारत की सॉवरेन क्रेडिट जो रेटिंग है वो है BBB-, ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो एक्स अप्रोक्स, आंसर बनता 100%। विच मंथ रिकॉर्ड एन ऑल टाइम मंथली हाई इन नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑफ $9.8 billion, तो आंसर ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो ऑल टाइम हाई रहा है इनमें से किस महीने में, याद रखना नवंबर 2020 में एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है याद रखना। अगला सवाल, अब बजट से क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर प्रेजेंटेड द यूनियन बजट, ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है बजट प्रस्तुत करती है, आंसर याद रखना आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के तहत। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021-22 ऑफ द नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट इन लोकसभा ऑन February 1, 2021, ठीक है, इनमें से किस शख्सियत ने जो यूनियन बजट थे केंद्रीय बजट 2021-22 को पेश किया था, जो कि मोदी सरकार का मोदी 2.0 का कौन से नंबर का बजट था, ये तीसरा बजट था, ठीक है याद रखना, निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। इसके बाद जो बजट आएगा अगले साल वो चौथा बजट होगा 22 में, और 23 में आएगा आखिरी बजट जो कि पांचवा बजट होगा, ठीक है याद रखना। फिर 24 में जो आएगा फरवरी 1 में वो आएगा लेखा अनुदान, अंतरिम बजट जिसको बोलते हैं, है ना, लेखा अनुदान। अगर वापस से मोदी सरकार आती है वहाँ पर 2024 में तो वही चीज़ें क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। चलो, हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फिक्स्ड फॉर 2021-22, नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है कितनी फिक्स की गई 2021-22 में, याद रखना 14.4 एज पर बजट। व्हाट इज द बजटेड एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन FY 2021-22, यानी कि टोटल बजट कितना है वित्त वर्ष 2021-22 का, तो याद रखना 34,83,236 करोड़ रुपये, ठीक है। अगला सवाल, बस आंकड़ों का खेल और कुछ नहीं है, हाउ मच फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ द जीडीपी इज प्रोजेक्टेड, माफ कीजिए प्रोजेक्टेड इन यूनियन बजट 2021-22 फॉर FY 2022, आंसर बनता है 6.8%, कितना 6.8% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है अगले वित्त वर्ष में। हाउ मच वर्थ ऑफ टोटल रिसीट वॉज एस्टिमेटेड फॉर FY 2021-22, जो टोटल रिसीट्स रही थी, कुल प्राप्तियां रही थी, वो कितनी रहने वाली है, तो याद रखना 19,76,424 करोड़ रुपये, ठीक है। टोटल रिसीट मतलब प्राप्तियां, जो टैक्स वगैरह से जो रेवेन्यू होता है वो रहने वाला, बाकी का जो रहेगा बोरोइंग करेंगे मतलब उधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज ऑब्जर्व द हाइएस्ट एनुअल ग्रोथ इन बजट अलोकेशन फॉर FY 2021 ओवर FY 2020, जो बजट 2019-20 रहा था उसकी तुलना में बजट 21-22 में सबसे ज़्यादा, यानी कि जो ग्रोथ रेट रही है वो किस मिनिस्ट्री की रही है, तो याद रखना जल शक्ति मंत्रालय की, किसकी है, जल शक्ति मंत्रालय की। कितने प्रतिशत की ग्रोथ रेट रही है इनकी, 184% की, ठीक है 184% की। विच सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज़ द हाइएस्ट अलोकेशन इन द बजट 2021-22, ठीक है, किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट सौंपा गया है, सबसे ज़्यादा पैसा किसे दिया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को, किसे दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को, ठीक है। कितना दिया गया है, 4,78,196 करोड़, ठीक है। द यूनियन बजट 2021-22 इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल बजट, इट हैज़ प्रेजेंटेड
द ट्रेडिशनल बही खाता विथ विच गैजेट। अब क्या हुआ था, पहले बही खाता आता था, पहले एक सूटकेस आता था, सूटकेस बोल सकते, ब्रीफकेस में आते थे मंत्री जी लेके क्या बजट की प्रति, ठीक है। उसके बाद क्या आने लगा, एक बही खाता आने लगा, बजट डॉक्यूमेंट को एक क्या कपड़े में लपेट के लेकर आने लगे। अब उसकी जगह क्या आ गया, गैजेट, गैजेट है ना, जो कवर था लाल कलर का था और उसके अंदर क्या था, टैबलेट था, क्या था, टैबलेट। उस टैबलेट के अंदर से बजट, अंदर से बोल रहा हूँ मैं से देख देख कर रहने की क्या करा गया, बजट पेश किया गया। चलो अगला, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट। भारत का पहला पेपरलेस बजट था, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट ने क्या, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया था, तो याद रखना नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने, ठीक है। याद होगा 31 जनवरी को मैंने क्या करा था अपने टेलीग्राम चैनल पर, इस एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन शेयर की थी, उसकी स्क्रीनशॉट शेयर की थी। आपको अगर आप बजट से अपडेट रहना है तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बहुत सारे बच्चों ने भी करी थी, ठीक है, डाउनलोड उसे। तो वो किसने डेवलप करा था, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ द पार्ट वन ऑफ द यूनियन बजट 2021-22। अब देखो बजट के दो पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। इनमें से पार्ट ए है ना, पार्ट ए का हिस्सा कौन नहीं था, क्या नहीं था, कौन सा सब्जेक्ट नहीं था, तो ईज ऑफ टैक्सिएशन जो था इसका पार्ट नहीं था, पार्ट वन का पार्ट नहीं था पार्ट ए का। मित्र स्कीम विल बी सेट ओवर 1000 एकर्स ऑफ द लैंड, द स्कीम बिलोंग्स टू विच इंडस्ट्री। मित्र स्कीम, मित्र का फुल फॉर्म क्या, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना टेक्सटाइल से, मतलब क्या कपड़ा से, ठीक है। 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में, ठीक है। इसके लिए जो बजट आउटले है वो 300 बिलियन का है 2025-26 तक का। नेम द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन द एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम क्या है, याद रखना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है। 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपये का बजट में आवंटन किया गया है। हाउ मच अमाउंट इज बजटेड फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग इन बजट एस्टिमेट 2021-22 है ना, अगेंस्ट द 94,452 करोड़ इन 2021। आंसर याद रखना 223,846। बहुत बार मैंने एमसीक्यू की क्लास में इसे बता दिया था। द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज टू बी ऑगमेंटेड फ्रॉम द 500 करोड़ टू 30,000 करोड़ थ्रू द फिनेंस बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द जीडीपी इन बजट एस्टिमेट 2021-22। आंसर आपका जो बनता है वो बनता है 5.1%। अगला, हाउ मच फंड अलोकेट टू वर्ड द COVID-19 वैक्सीन इन बजट एस्टिमेट 2021-22। बहुत बार पढ़ा दिया ये भी मैंने, 35,000 करोड़, एमसीक्यू क्लास में बहुत बार पढ़ाया है। व्हाट इज द आउटले ऑफ द जल जीवन मिशन अर्बन दैट इज प्रपोज टू यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज। आंसर आपका बनता है 2,87,000 करोड़, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट वॉज अलोकेट टू वार्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन फॉर द 2021-26 पीरियड। आंसर बनता है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रपोज द अलोकेशन ऑफ द हाउ मच वर्थ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कितना, या फिर दूसरा आ सकता है वर्ड क्लीन एयर के लिए, दो में से कोई सा भी होगा, क्लीन एयर के लिए कितना अलोकेशन है या फिर टैकल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पोल्यूशन, तो 2,217 करोड़, ठीक है, याद रखना। द यूनियन बजट हैज कम अप विथ वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी
है ना, इनवाइजेज फिटनेस टेस्ट टू द व्हीकल्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन द केस ऑफ द पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल के लिए कितना, 20 साल। कोई भी पर्सनल व्हीकल चला रहे हो 20 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते, बस उसके बाद स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। और सार्वजनिक के लिए 15 साल। अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट विल बी अलोकेट टू वार्ड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स स्टार्टिंग FY 2021-22। बहुत बार पढ़ा दिया मैंने MCQ क्लास में, 1.97 लाख करोड़, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा रखी है सारी की सारी। हाउ मैनी मेगा, माफ कीजिएगा, मैनी टेक्सटाइल पार्क विल बी इस्टेब्लिश ओवर 3 ईयर्स एज पार्ट ऑफ द मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। तो आंसर बनता है 7। आउटले कितना होगा इसका, ठीक है, $300 बिलियन 2025-26 तक, ठीक है। आज अटेंडेंट की क्लास नहीं होगी। अगला सवाल है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन लॉन्च इन दिसंबर 2019 वाज एक्सपेंडेड टू 7400 फ्रॉम 6835 प्रोजेक्ट। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें जो है 2019 में लॉन्च की गई थी, इसमें जो प्रोजेक्ट्स की संख्या है 7400 कर दी गई है, जो कि कितनी थी, 6835 थी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विथ आउटले ऑफ 20,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग के तहत 20,000 करोड़ का आउटले किस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सौंपा गया है। आंसर बनता है DFI, डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाउ मच अमाउंट इज बजटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को कितना बजट दिया गया है, तो याद रखना 1,18,101 लाख करोड़, ठीक है। फाइंड द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड वर्थ 3.3 लाख करोड़ अवार्डेड फॉर द कंस्ट्रक्शन बाय 2022, ठीक है। तो आंसर बनता है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट या फिर परियोजना। विच ईयर इज द सेट टारगेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज रूट। ब्रॉड गेज रूट को यानी कि क्या करना है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करना है, किस वर्ष तक करना है, याद रखना दिसंबर 2023 तक। व्हाट इज द आउटले ऑफ द स्कीम दैट विल बी लॉन्च्ड टू सपोर्ट ऑगमेंटेशन ऑफ द पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस टूवर्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए 18,000 करोड़, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी विच विल बी डेवलप्ड टू मेट्रो रेल सिस्टम ऑफ टायर टू सिटीज एंड पेरिफेरल एरियाज ऑफ द टायर वन सिटीज फॉर कटिंग द कॉस्ट। आंसर बनता है मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट, ठीक है, मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट दोनों। अगला सवाल है, द यूनियन बजट 2021-22 हैज़ प्रपोज्ड अ रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, व्हाट इज द आउटले। बस इतना याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कितना यानी कि आउटले दिया गया है, तो याद रखना आपका आंसर है 3,05,984। अगला सवाल है, द यूनियन बजट 2021-22 हैज़ प्रपोज्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर्थ 2,000 करोड़ फॉर मेजर पोर्ट इन FY 2022। पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए, माफ कीजिए पोर्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट्स के लिए यानी कि कितने प्रोजेक्ट्स के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, याद रखना 7 प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर द डबलिंग ऑफ द शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसिंग टन इज द प्रपोज्ड। आंसर बनता है 2024। क्या बनता है, 2024। हाउ मच कैपिटल विल बी इन्फ्यूज्ड इन द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, याद रखना 1,000 करोड़ का, ठीक है।
द यूनियन बजट हैज़ प्रपोज टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द परमिशियबल FDI लिमिट 49% टू हाउ मच परसेंट. आंसर बनता 74%. हाउ मच अमाउंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्यूज फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया गया, याद रखना 20,000 करोड़ का. मिनिमम लोन साइज एलिजिबल डेट रिकवरी अंडर द सरफाइसी एक्ट 2002 हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 50 लाख टू हाउ मच अमाउंट फॉर NBFC विथ मिनिमम असेट साइज ऑफ द 100 करोड़. आंसर बनता है आपका 20 लाख. मोस्ट IMP क्वेश्चन ये, लगा के रख लो आएगा. हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अलोकेट टू वर्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज सेट टू बी 33%. आंसर बनता 40,000 करोड़. क्या बनता आंसर? 40,000 करोड़. वाट इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इन FY 2022? आंसर बनता 16.5 लाख करोड़. हाउ मैनी पी प्रोडक्ट टू बी इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम दैट इज प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू टोमेटो ऑनियंस एंड पोटेटोज. ठीक है, तो याद रखना 22 यानी कि प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दैट 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स विल बी डेवलप्ड एज अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट. आंसर बनता है मुंबई. ठीक है, 5 कौन कौन से है? कोच्चि तो है, चेन्नई भी है, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम है, और अच्छा कौन नेक्स्ट कौन सा है आखिरी बचा 5वां, तो वो है पेटुआ घाट. अरे पेन को क्या हो गया, पेटुआ पेन नहीं चल रहा मेरा, पेटुआ घाट. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट मल्टीपर्पज सी वेड पार्क विल बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सी वेड पार्क कहाँ पे ओपन किया जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना तमिलनाडु में. कहाँ पे? तमिलनाडु में. वॉट इज द प्रपोज परसेंटेज ऑफ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट रिड्यूस फ्रॉम 25% अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर SC ST एंड वीमेन्स. तो आंसर बनता है 15%. कितना? 15%. माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए कितना बजट है? बहुत बार पढ़ा दिया था, 15,700. इन विच सिटी ऑफ लद्दाख द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू सेटअप सेंट्रल यूनिवर्सिटी. आंसर बनता आपका लेह. लेह में ओपन की जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी. हाउ मच हैज़ बिन अलोकेट टू वार्ड द रिवैम्प पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट SC कम्युनिटी के लिए. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत कितना आवंटन किया गया है, याद रखना 35,219 करोड़. ठीक है, 6 सालों के लिए. हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अलोकेट टू वार्ड द फोर्थ कमिंग फर्स्ट डिजिटल सेंसिस ऑफ इंडिया. आंसर बनता है 3,768 करोड़. From which age and above the senior citizen have been exempted from file their income tax return? Income tax return. Answer banta 75 years. How much amount has been earmarked the central government as a development assistance for the other countries? Answer banta hai 18,154 crore. 18,154. ठीक है. How much percent has been increased in capital expenditure which is estimated 2021-22 over the budget estimate 2021-22? Answer 2021. Answer banta 34.5%. ठीक है, अगला सवाल है. Which scheme has been extended all state UT to bringing transparency in the property ownership in village under the agriculture सेक्टर. इन नाम याद रखना, स्वामित्व स्कीम. क्या है? स्वामित्व स्कीम.
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर बेनिफिट बाय इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इन 32 स्टेट यूटी टू क्लेम राशन एनीवेयर। आंसर बनता है माइग्रेंट वर्कर्स। क्या है माइग्रेंट वर्कर्स? ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप रिड्यूस फ्रॉम 5% टू 2.5%। ठीक है, याद रखना। देखो इस, ठीक है ठीक है, चलो आगे। आफ्टर विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बजट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये आ सकता है, चौंकाने वाला क्वेश्चन है। तो 2016 ने क्या करा है, किया है 2016 से भारत सरकार जो है एक फरवरी को प्रेजेंट करती है। नहीं तो पहले क्या होता था, 2016 के पहले आखिरी दिन जो रहता था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, तब जाके बजट पेश किया जाता था। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे कौन सा होता है? 28 होगा फरवरी या फिर 29 फरवरी होगा। ठीक है, एग्जेम्पशन था जब 29 फरवरी को 2008 में बजट पेश किया गया था, क्योंकि 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो उस चुनाव के दौरान जो था 10 मार्च को बजट पेश किया गया था। ठीक है, अगर चुनाव ना होते हैं तो फिर कांग्रेस की उस समय सरकार थी, तो उस सरकार ने यहाँ पर बजट जो चुनाव के दौरान नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर विल बी द अमृत महोत्सव द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आंसर बनता है आपका 2022 में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें आज हमने बात करी यूनियन बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों 6 तारीख को होने जा रहा है आपका आरबीआई ग्रेड बी का पेपर, और 14 तारीख को होने जा रहा है ईसीजीसी का पीओ का पेपर। ठीक है, दोनों ही अच्छी एग्ज़ाम्स हैं, और ईसीजीसी तो सिंगल एग्ज़ाम है, निकालो और इंटरव्यू दो। ठीक है, सिंगल फेज है। तो दोस्तों दोनों ही पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो क्या करेंगे आप, लर्निंग आईक्यू को सब्सक्राइब करेंगे, अगर नए हैं और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।